द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज सेंट्रलाइजेशन एंड डी ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा है हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल था हेनरी फ्यूल का सेंट्रलाइजेशन एंड डी सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन का नॉर्मली मीनिंग क्या होता है कंसेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड और इन फ्यू हैंड यानी कि जो भी पावर अथॉरिटीज हैं वो किसी एक व्यक्ति के पास हों या कुछ लोगों के पास हों तो उसे हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम डिसीजन लेने की पावर अपने सुबोर्डिनेट्स को दे देते हैं तो जैसा कि फ्योल ने बताया था कि ना तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए क्योंकि दोनों ही एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल होती हैं दोनों सिचुएशन तो आज हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स टू गिव द पावर्स और अथॉरिटी टू हिज सुबोर्डिनेट्स एट एवरी लेवल so that the task can be completed on time and the organizational goal can be achieved. Decentralization का मतलब क्या होता है कि जो powers हैं जो authorities हैं उनका distribution कर देना हर level पर top level के साथ साथ middle level के पास भी power होंगी इसके साथ साथ lower level के पास भी कुछ power होंगी ताकि decision जल्दी लिए जा सकें और organization को उसका benefit मिल सके decentralization क्या कहता है कि हमें power अपने पास नहीं रखनी चाहिए सारी बल्कि उन्हें हैंडओवर कर देना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन से बिल्कुल अलग है डेलीगेशन में हम पहले किसी को वर्क असाइन करते हैं देन उसको अथॉरिटी देते हैं जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता डिसन में हम पावर देते हैं और फिर हम किसी से वर्क लेते हैं या काम लेते हैं तो एक बार इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की

एंड मैनेजर प्लान इन एडवांस वेदर टू गो फॉर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज पॉलिस एक ऑर्गेइजेशन की पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है वो सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करना चाहती है या डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करना चाहती है इट्स ए पॉलिसी मैटर अगर एक कंपनी की पॉलिसी ऐसी है कि वो सेंट्रलाइजेशन को प्रेफरेंस नहीं देती तो डिसेंट्रलाइजेशन एडॉप्ट करेगी एक कंपनी ऐसी है जो डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंस नहीं देती तो वो सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करेगी तो ये पॉलिसी मैटर होता है पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी में किस तरीके से काम होता है नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं क्या क्या फायदे हैं फर्स्ट इज डेवलप इनिशिएटिव अमंग द अमंगस की जो हमारे हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं जब हम अपने सबॉर्डिनेट को पावर देंगे अथॉरिटी देंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिसीजन लेना सीख जाएंगे और इनिशिएटिव भी लेंगे काम को करने में आगे रहेंगे डेवलप मैनेजीरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर मैनेजीरियल टैलेंट डेवलप हो पाता है फ्यूचर के लिए मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मान लीजिए कि कोई डिपार्टमेंटल मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा है और उसे हम अलग अलग अपॉर्चुनिटी देते हैं अलग अलग काम करने के लिए देते हैं हम उसको और उसको पावर्स हमने दे रखे हैं तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कैपेबल हो जाता है एक जनरल मैनेजर की पोस्ट पे काम करने के लिए यानी कि वो पूरी कंपनी संभालने के कैपेबल हो जाता है उसमें इतनी स्किल आ जाती है कि वो पूरी कंपनी को अच्छे से ऑपरेट कर पाए क्विक डिसीजन मेकिंग डिसीजन हम जल्दी ले सकते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे पावर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं सभी डिसीजन किसी एक सिंगल पर्सन को नहीं लेने डिसीजन अलग अलग व्यक्तियों को लेने हैं तो इसलिए डिसीजन लेना भी हमारे लिए ईजी हो जाता है रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ कैसे मिलता है उनका वर्कलोड जो है वो कम हो जाता है अगर वो पावर्स नहीं देंगे तो उनका वर्कलोड ज़्यादा रहेगा हर डिसीजन उन्हें खुद लेना पड़ेगा तो जिससे वो काम को टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और ओवरबर्डन रहेंगे तो अगर हम टॉप लेवल मैनेजमेंट के वर्कलोड को कम करना चाहते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी हमेशा अच्छी होती है फैसिलिटेट ग्रोथ एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए भी डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है हम ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं क्योंकि जो डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी है वो एम्प्लॉ को एक सिस्टमेटिक तरीके से वर्क करना सिखा देती है हर एक डिपार्टमेंट हर एक पर्सन जो है अपने काम को करने में एक्सपर्ट होता है डिसीजन लेने में एक्सपर्ट होता है तो ईजिली अगर हम बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहें ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना चाहें तो वो इजिली हम कर सकते हैं एंड द लास्ट इज बेटर कंट्रोल हमारा कंट्रोल अच्छा बना रहता है अगर मान लीजिए एक सिंगल पर्सन होल ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करेगा सभी चीजें खुद ऑब्जर्व करेगा अकेला तो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व कर सके मान लीजिए एक कंपनी में थाउजेंड एम्प्लॉयज काम करते हैं तो अकेले व्यक्ति को वो ऑब्जर्व करने हो कि कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है तो वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी होता है अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में बेटर कंट्रोल इंप्लीमेंट करना चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि हर चीज हमारे कंट्रोल में रहे हमारी नज़र में रहे तो डिसेंट्रलाइजेशन करना हमारे लिए जरूरी होता है